नमस्कार, जेबीडी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में बुधवार को थानों, पुलिस चौकियों और सभी पुलिस कार्यालयों में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया। पुलिस झंडा दिवस पर डीजीपी डीएस चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्लैग पिन लगाया और सीएम योगी को प्रतीक चिन्ह भी अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस के समस्त अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ क्रमिकों को पुलिस झंडा दिवस की हार्दिक बधाई। समर्पण, संवेदनशीलता और सेवा की प्रतीक यूपी पुलिस पर हमें गर्व है। जय हिंद। उधर पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि नेताजी ने जीवन भर इस क्षेत्र की सेवा की। इस चुनाव में उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील उनकी ओर से की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी समाजवादी पार्टी में था। पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो मैनपुरी विधानसभा तो आप जीत ही रहे थे। एमपी एमएलए न्यायालय ने बीजेपी सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया है। सीजेएम तृतीय ने गैर जमानती वारंट जारी कर जानकारी दी है। दरअसल वारंट जारी करने के बाद भी न्यायालय में हाजिर नहीं वो हुए थे। मामला 2019 का है जब अरुण सागर के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का कांड थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। फिलहाल सांसद के फरार होने का नोटिस अरुण सागर के आवास पर चस्पा कर दिया गया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोग भ्रम लेकर घूम रहे हैं कि सैफई, मैनपुरी और जसवंत नगर उनका गढ़ है। अब कहीं किसी का कोई गढ़ नहीं है, पूरा प्रदेश बीजेपी का गढ़ है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि मैनपुरी जैसा गढ़ समझकर डिंपल यादव फिरोजाबाद आई थी और हारकर चली गई और वो गढ़ टूट गया। ऐसा ही गढ़ समझकर अक्षय यादव फिरोजाबाद आए और 2019 का चुनाव वो हार गए और गढ़ टूट गया। बनायू गढ़ टूटा जहां से धर्मेंद्र यादव सांसद हुआ करते थे। मैनपुरी वाला गढ़ उपचुनाव में टूटेगा। विरासत से सियासत के फैसले तय नहीं होते हैं। अखिलेश के बयान पर आजमगढ़ और रामपुर हम धोखे से हारे हैं ये जिक्र भी उनकी ओर से दरअसल कर दिया गया। बघेल ने कहा है कि सुविधा भोगी की वजह से ही वो हारे और 2012 से 2017 तक सीएम रहे। अभी तक मानसिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से वो उतर नहीं पा रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चुनाव लगातार हार रहे थे। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में बजरी बाजार फुट कारोबारी के 18 वर्षीय बेटे को हमलावरों ने पेट में गोली मार दी। वारदात के समय कारोबारी का बेटा अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग खड़े हुए। शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर संजीव का आरोपियों से विवाद हो गया था। बताया यह जा रहा है कि घायल और हमलावरों के परिवार वालों के बीच में प्रधान चुनाव को लेकर भी विवाद चल रहा था। पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मतदाता सूची से नाम काटे जाने से नाराज लगभग एक दर्जन लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और टंकी पर ही नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि षड्यंत्र के तहत सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए थे। पानी की टंकी पर चढ़ने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। टंकी पर चढ़े लोग बीएलए के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस सभी को उतारने की कोशिश कर रही है। मामला थाना क्षेत्र निघोई का बताया जा रहा है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में बुलेट से जा रहे लकड़ी व्यापारी से बाइक सवार दो बदमाशों ने 6 लाख की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। व्यापारी लकड़ी के ठेकेदारों को भुगतान करने जा रहा था, तभी नरियावल रोड पर पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उसका बैग लूट कर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस जांच में जुट गई है। हरदोई में सरकार की लाख सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग के इस मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई बार लोग हर्ष फायरिंग के चलते घायल हो चुके हैं और जबकि हर्ष फायरिंग से कई लोगों की जान तक जा चुकी है। ताजा मामला हरदोई के मझला थाना क्षेत्र का है जहां पर फतेहपुर गाजी गांव में एक बच्चे के जन्म के बाद पार्टी चल रही थी और इस दौरान डांस करते हुए हर्ष फायरिंग की गई जिसमें एक 16 साल किशोरी घायल हो गई और घायल किशोरी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती करवाया गया जहां पर उसे हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर 28 अगस्त को महज चंद सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया। उधर ट्विन टावर के मलबे को हटाने का जिम्मा एडिफिस कंपनी द्वारा लिया गया है और 3 महीने के अंदर मलबा हटाने की बात कही गई थी, पर 3 महीने बीतने के बाद अभी तक ये देखा गया है कि 50% मलबा ही यहां से हट पाया है।
मलबा हटने के दौरान प्रदूषण की समस्या एनसीआर में होने के चलते 20 दिनों तक काम बंद कर दिया गया और अब 20 दिनों के बाद एक बार फिर से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेता अर्जुन कुमार अग्रवाल की दबंगई सामने आ गई। भाजपा नेता अर्जुन ने 20 लोगों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा। दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी शिक्षक बेटी को लाठी डंडों से पीटा है। यह मामला प्रॉपर्टी विवाद का बताया गया है, जिसमें बीजेपी के नेता की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आई। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेबीटी लाइव। नमस्कार।